बहुत सारे लोग फिटनेस फ्रीक्स होते हैं एंड डाइटिंग करना एक मजबूरी सी बन जाती है। मतलब डाइटिंग नहीं कहना, बट आपको जो सबसे ज्यादा पसंद होता है वही आपको नहीं खाना होता है और वही आपको छोड़ना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम थोड़े से बोर हो जाते हैं, इतने ज्यादा बोर हो जाता है कि हमें कुछ डिलीशियस चाहिए होता है जो कि न्यूट्रिशनल भी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें फैट ज्यादा ना हो, जिसमें शुगर ना हो, बेकार की चीजें ना हो और वो हम इंजॉय भी कर पाए। तो ऐसा फूड जो है मार्केट में मिलते तो बहुत हैं, बट टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सो हे वन एंड आज मेरे पास है एक ऐसी प्रोटीन बार जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूं, जो कि प्रोटीन में तो काफी अच्छी है बट देखेंगे टेस्ट उसका कैसा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज मेरे पास है मैक्स प्रोटीन डेली बार्स, जो कि आती है 10 ग्राम प्रोटीन के साथ। मतलब पर बार में इसमें 10 ग्राम प्रोटीन होता है और 2 घंटे की एनर्जी का ये क्लेम करती है कंपनी, जो कि लिखा भी हुआ है डब्बे के ऊपर साफ साफ। सो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग एंड कैसा ये बॉक्स आता है और कैसे इसमें बार्स आते हैं, कितनी आती है और क्या क्या इसमें लिखा होता है। चलिए शुरू करें। एंड देख सकते हो आप इसमें क्या क्या, कब आप इसको यूज कर सकते हो। बिटवीन मील्स ले सकते हो, 4 बार आप दिन में खा सकते हो। 5 साल से भी नीचे के बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। डाइट्री फाइबर इसके अंदर, पोयोल्स है, लैक्सेटिक इफेक्ट हो सकता है इसके साथ, मतलब थोड़ा बहुत अगर कोई एलर्जेटिक है तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे 380 इसकी MRP दी गई है, तो ये अराउंड अराउंड अभी ऑफर में चल रहा था तो उसके हिसाब से 280-260 के आसपास आपको मिल जाएगा। सो ये है इसका प्रॉपर डब्बा एंड आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो जैसा कि 6 बार्स मेरे को इस पैक में मिली हैं एंड ये मेरे को पड़ा है अराउंड 240-280 के अराउंड का मेरे को ये पड़ा है। मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो इसको। एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, टेस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा है। हालांकि मैंने दो जो है, एक ये स्ट्रॉबेरी है, ये मैंने चोकोबेरी बार है ये मैंने ट्राई कर चुका हूँ मैं, और ये जो चोको आमंड बार है ये भी मैं ट्राई कर चुका हूँ। दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा है, मतलब आपको लगता ही नहीं आप प्रोटीन बार खा रहे हो आप, इतना अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत अच्छा फ्लेवर है चॉकलेट भर भर के। तो मैं भी ट्राई करने वाला हूँ, ये है मैक्स प्रोटीन चोको क्लासिकल बार जो कि रह गई थी। सो मैं अभी इसको ट्राई करने वाला हूँ एंड देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मैं आपको दिखा भी दूंगा बार कैसी दिखती है। ओके, तो आप देखो यार बार दिखती है ऐसी एंड नीचे से ये पूरा चॉकलेट में कवर्ड है, ये पूरी चॉकलेट है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर ये कोटिंग है। अब इसका एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। मानना पड़ेगा टेस्ट में तीनों ही बार बहुत अच्छी हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि मैं कौन सी लूं, कोई सी भी ले सकते हो, आपको तीनों ही पसंद आने वाली हैं। अब ये जो बार है ये मैंने अभी रिव्यू किया, अब ये कितनी हेल्दी है कितनी नहीं है अगर मैं इसमें चीजें बताऊं तो आपको कुछ चीजें मिलती हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी मिलती है। 10 ग्राम प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, काफी होता है। अगर आप एक स्कूप लेते हो तो उसमें मिलता है आपको 20 ग्राम प्रोटीन, तो ऑलमोस्ट मतलब आपको ये आधे स्कूप के बराबर ही आपको प्रोटीन देता है। 20 से 25 ग्राम एक नॉर्मल वे प्रोटीन के स्कूप में आपको मिलता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप प्रोटीन कौन सा ले रहे हो, 5000 वाला 10000 वाला कौन सा प्रोटीन आप ले रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बट ये वे प्रोटीन की पूर्ति नहीं करेगा, बट ये डेफिनेटली है आपकी हंगर को खत्म करेगा। अगर आप इसको खाओगे तो मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना इसको खा लो, आपकी हंगर खत्म हो जाएगी। ये डेफिनेटली है, ये हंगर खत्म कर देगा, सेटिस्फेक्शन देगा आपको, फैट नहीं देगा, टेस्ट है डिलीशियस है। अगर आपका मन ऊब ज्यादा, बहुत बार होता है कि डाइटिंग करते करते है ना चीजें नेचुरल चीजें खाते खाते ऊब जाते हो, कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो आप डेफिनेटली मैक्स प्रोटीन ट्राई कर सकते हो। एंड अब ये अच्छी क्यों है, मैंने मसल ब्लेज की ट्राई की थी, मिनी बार आती थी उसका इतना गंदा टेस्ट था ना, मतलब वो खाई नहीं की मेरे से। हालांकि है वो भी प्रोटीन बार बहुत अच्छी होती है, बट यार देखो पहले ही हम टेस्टलेस चीजें खाते हैं, जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं वो टेस्टलेस चीजें पहले ही खाते हैं, इतना ज्यादा टेस्ट वो खाते ही है। ऊपर से अगर आप उनको प्रोटीन बार में भी कोई टेस्ट ना दोगे तो फिर तो बिल्कुल हद हो जाती है, तो इसलिए मैंने दूसरी चीज ट्राई की है। इसके अलावा आप एक योगा बार है, योगा बार में एक फ्लेवर आता है ऑरेंज वाला, वो भी बहुत अच्छा है। वो इतना मीठा नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्वीटनर ज्यादा डाला हुआ है इन्होंने, बट इसमें शुगर नहीं होती, इसमें हनी वगैरह होता है, वो चीजें होती हैं स्वीट करने के लिए इसको।
बट डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छी है एंड आप इसको ले सकते हो। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपने अगर खाया तो आपको कौन सा बेस्ट फ्लेवर लगा इन तीनों में से। सो ये थी आज की वीडियो एंड ज़रूर 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 मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है मैं पर्सनली आपका वहाँ रिप्लाई करूँगा, आप मेरे को फॉलो करके DM कर सकते हो। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। बाय बाय।